Assalamualaikum viewers, welcome in my kitchen. आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और डिलीशियस है. Sometimes my फ्रीजर में रखे होते हैं लेफ्ट ओवर फूड्स, तो ये वो रेसिपी है जिसको अपने फूड में डालकर फूड को दोबारा टेस्ट एनहेंस कर सकते हैं और उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं. इसके लिए हमें चाहिए कैप्सिकम. अब हम कैप्सिकम को कट कर लेंगे. आपको जिस तरह की कटिंग पसंद है आप उस तरह से कटिंग कर लीजिए. मैं इसको फिंगर स्टाइल में कट कर रही हूँ. आप स्क्वायर बॉक्सेस में भी कट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में पैन में ऑलिव ऑयल का यूज करना है. ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है सैलड्स के लिए, इसलिए 3 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए. 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, थोड़ा सा सोते और फ्राई करेंगे. ज्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, लाइट से इसको जस्ट फ्राई करना है. 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू द टेस्ट चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया. थोड़ी देर चिली फ्लेक्स को फ्राई कर लेंगे ऑयल में. 10 मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दें. फ्लेम को लो कर दें और अब इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर लें अच्छे से. एक बंच भर के ऐड करना है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स. टेबलस्पून सौंफ का पाउडर. इस स्टेज में आकर ऐड करनी है कैरेट्स. खाना खाते वक्त जितना हमारे लिए टेस्ट मैटर करता है उतना लुक भी मैटर करती है कि किस लुक से इसको बनाया गया और किस तरह इसको डेकोरेट किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं. तो ये सैलड वो रेसिपी है जो आपके खाने में आपकी डेकोरेशंस को इन्हेंस करेगा, बहुत ही प्यारी लुक आएगी अगर आप दावत में इस सैलड्स को ट्राई करेंगे. फिर मैंने कैरेट्स को फ्राई किया और उसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड किया. कभी भी कैप्सिकम को ज़्यादा कुक नहीं करना होता, इसलिए जस्ट 2 to 3 मिनट्स तक कैप्सिकम को कुक करना है. थोड़ा सा ग्रेवी टेक्सचर बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस. इन दोनों सॉसेस के यूजेस से हमारा टेस्ट भी इन्हेंस होगा. जस्ट 10 to 15 मिनट्स रिक्वायर होंगे आपको इस सैलड को बनाने के लिए. बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा. और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे चैनल को आप ही की सपोर्ट की ज़रूरत है. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.